আমরা ছুটি পেয়ে সবাই ঘুরতে গিয়েছি, এটা অবশ্যই আমাদের ভুল ছিল। স্বাগতম সবাইকে ভিডিও রিয়াকশনে, আমরা চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আজকে আমরা আপনাদের সঙ্গে যে ভিডিওটি শেয়ার করছি সেটি হচ্ছে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে, আর এই বিষয়টি কোভিড-19 সঙ্গে সম্পর্কিত। আর আজকের ভিডিওর টাইটেলটি হচ্ছে সেকেন্ড ওয়েভ অফ কোভিড-19, ইজ লকডাউন 2.0 কামিং ইন ইন্ডিয়া। সো এটা আসলে একটা ব্যাপার যেটা সবার জানা উচিত, কারণ এখন যে হারে কোভিডে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে, আমাদের দেশেও অলরেডি আর সেকেন্ড টাইম লকডাউন দিয়ে দিয়েছে। তো চলুন সবাই মিলে দেখে আসি ইন্ডিয়াতে আসলে তারাও কি লকডাউন করতে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না, এই ভিডিওতে কী ইনফরমেশান দিতে যাচ্ছে আমাদেরকে। আর আমরা এই ভিডিওটি নিয়েছি স্টাডি আইকিউ এডুকেশন থেকে। তো চলুন আমরা ভিডিওটি দেখে আসি। 24 মার্চ 2021, ইন্ডিয়া মে লগায়ে গে নেশন ওয়াইড লকডাউন কো এক সাল পুরা হো গয়া হ্যায়। हमारा देश उसी वक्त लॉकडाउन में चला गया था जब कोविड-19 के महज 525 केसेस डिटेक्ट हुए थे। इंडिया की इस स्ट्रैटजी को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था। इंडिया उन कुछ बहुत कम कंट्रीज में से था जिन्होंने वायरस के स्प्रेड होने के स्टार्टिंग फेज में ही नेशन वाइड लॉकडाउन लगा दिया था। पर एक लंबे लॉकडाउन के बावजूद भी इसका कुछ खास फायदा हमें दिखा नहीं। लॉकडाउन के बाद भी कोरोना वायरस से अफेक्टेड कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया की रैंकिंग लगातार बढ़ती गई, और इसके साइड इफेक्ट के तौर पर हमें माइग्रेंट क्राइसिस देखने को मिली जिसमें ना जाने कितने मासूम मजदूर मारे गए। ये वो वक्त था जब इंडिया और बाकी देशों के लिए लॉकडाउन, कोरोना वायरस और बाकी सब बहुत नया था, और इसी वजह से कई लेवल्स पे इस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने में गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट भी सामने आया। पर तब से लेके अब तक हमने एक लंबा रास्ता चला है। कोरोना वायरस को लेके हमारी अवेयरनेस और गवर्नमेंट के पास उसको कंट्रोल करने के रिसोर्सेज आए हैं, और शायद हमें समझ में आ चुका है कि लॉकडाउन हो या नहीं पर कोरोना वायरस को कैसे हराना है। पर मैं ये शायद इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि शायद कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। फरवरी 2021 की शुरुआत में लग रहा था कि शायद चीज़ें बेहतर होने लग गई हैं, सब बैक टू नॉर्मल होने जा रहा है। सितंबर 2020 में इंडिया में कोरोना वायरस के एक दिन में 97,000 नए केसेस आ रहे थे। यह आंकड़ा 8 फरवरी तक 9,000 केसेस तक पहुंच गया था, जो कि 9 महीनों में सबसे कम था। लोग बाहर निकलने चालू हो गए थे, स्कूल कॉलेजेस फिर से खुलने लग गए थे। पर आप इसे लोगों की लापरवाही कहें या प्रशासन की गलती, 15 फरवरी से कोरोना वायरस का ग्राफ फिर से उठने लग गया, और इस बार जो ग्राफ में ग्रोथ दिख रही थी वो रिलेटिवली पिछले वाले से ज़्यादा स्टीप है। और आज हाल ये है कि अप्रैल के मंथ में कोरोना ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 4 अप्रैल 2021 में इंडिया में कोरोना के कुल 1,03,000 नए केसेज आए, और चिंता की बात यह है कि ये नंबर इस वेव का पीक नहीं है। हर दिन डेली न्यू केसेस का आंकड़ा एक नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर कोरोना इसी तरह स्प्रेड होता रहा तो क्या हमें लॉकडाउन वर्जन 2.0 की तरफ देखना चाहिए? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि कोरोना के साथ एक साल से भी ज़्यादा का वक्त बिताने के बाद भी आज हमें फिर से लॉकडाउन के बारे में सोचने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? कहाँ कमी रह गई और क्या है फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़, जानते हैं इस वीडियो में। अच्छा, दोस्तों मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हियर इज द लिंक, एंड यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। इस बार जो कोरोना केसेस में इंक्रीमेंट देखने को मिला है उसमें कुछ खास बातें हैं, और इसके साथ ही कुछ ऐसे रीजंस भी हैं जो लॉकडाउन वर्जन 2.0 की संभावना को बढ़ाते हैं। पहला, इस बार हमारे बीच SARS-CoV-2 वायरस के म्यूटेटेड वर्जन्स भी मौजूद हैं। मार्च में इंडिया के नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल NCDC ने बताया कि पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र से लिए गए कुछ सैंपल्स में वायरस का एक डबल म्यूटेटेड वर्जन पाया गया है, जो कि वायरस का अगर डोमिनेंट वर्जन बन जाता है तो एपिडेमिक कंट्रोल के लिए मुसीबत बन सकता है। इसके अलावा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सेकेंड वेव बच्चों को पहली वेव के मुकाबले ज़्यादा सीवियरली इफेक्ट कर रही है। दूसरा, 2020 में जब लॉकडाउन लगा तब स्टार्टिंग फेज में कोरोना केसेस के बढ़ने की रफ्तार में कहीं ना कहीं पाबंदी लगी थी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद सम नंबर्स। इंडिया में 1 मार्च 2020 तक कोविड के 3 केस डिटेक्ट हुए थे, जो नंबर अगले 14 डेज यानी 14 मार्च को 100 तक पहुंच गया। ठीक अगले 14 डेज यानी 29 मार्च को 1,000 का आंकड़ा क्रॉस हो गया।
और उसके अगले 15 डेज में यानी कि 13 अप्रैल को कोविड ने 10,000 केसेस का मार्क क्रॉस कर लिया था। बट इसके बाद लॉकडाउन ने असर दिखाना शुरू किया। इसके अगले 13 डेज तक कोविड के बढ़ने की फ्रिक्वेंसी स्पेक्यूलेटेड 10 टाइम्स से घटकर 3 टाइम्स तक रह गई। और इसके उलट मिड मे 2020 में जब सेकेंड फेज ऑफ अनलॉकिंग प्रोसेस चालू थी, इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 1 लाख से जून तक 2.5 लाख तक पहुँच गई थी। गवर्नमेंट अपॉइंटेड साइंटिस्ट की कमेटी के हिसाब से लॉकडाउन के अब्सेंस में कोविड केसेस का पीक जून में ही पहुंच जाता, वो भी 1 करोड़ केसेस के साथ। बट लॉकडाउन ने कोरोना को कंट्रोल करते हुए इसके स्प्रेड की स्पीड को कम किया और इसका पीक सितंबर में आया, वो भी सिर्फ 10 लाख केसेस के साथ। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या इस बार भी लॉकडाउन इस एक्सपोनेंशियल तौर पर बढ़ते कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में कारगर साबित हो सकता है। तीसरा रीज़न जिसकी वजह से हम लॉकडाउन के बारे में सोच रहे हैं वो हम खुद हैं। इतना लंबा वक्त कोरोना काल में निकालने के बाद भी वी आर नॉट एजुकेटेड इनफ अबाउट इट। अलग अलग सेक्टर्स भी कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना रेगुलेशन से उन्हें एग्जेम्पशंस यानी छूट मिल जाएं। फॉर एग्जांपल, कुछ वक्त पहले कर्नाटका गवर्नमेंट ने कुछ प्रिवेंशन मेजर्स जारी किए थे जिससे भीड़ भाड़ वाली जगहों में जैसे कि थिएटर्स, जिम, स्कूल एक्सेट्रा में क्लोज कॉन्टैक्ट से बचा जा सकता है। पर इसके बाद सिनेमा इंडस्ट्री और लोगों ने कर्नाटका गवर्नमेंट में प्रेशर डालना चालू किया और फिर गवर्नमेंट को थिएटर्स के 100% ऑक्यूपेंसी की परमिशन देनी ही पड़ी। और जब थिएटर्स की बात सुन ली गई तब एसोसिएशन ऑफ जिम ओनर्स और बाकी सेक्टर्स भी सेम मेजर्स की डिमांड करने लग गए। और ये सिर्फ एसोसिएशंस और सेक्टर्स की बात नहीं है, इंडिया में आम जन भी मास्क ऐसे लगाते हैं जैसे वो किसी और के ऊपर एहसान कर रहे हों। पॉलिटिशियंस की रैली में भीड़ ऐसे जुट रही है मानो इस दुनिया में कोरोना सच में एक प्रोपेगेंडा है। और इन रैलीज में किसी को कोई फिक्र नहीं है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की और ना ही मास्क की। तो क्या ऐसे लापरवाही भरे माहौल में एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन ही हमारे पास आखिरी ऑप्शन बचा है? जब एक स्ट्रिक्ट नेशनवाइड लॉकडाउन लगता है तब वो सक्सेसफुल रहेगा या नहीं, उसकी वजह से वायरस कंटेन हो पाएगा या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। पर उस लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग सेक्टर्स पर इफेक्ट होता है, इस बात को कोई नहीं नकार सकता। और इसलिए लॉकडाउन जितना इफेक्टिव लगता है डिस्कस करने में, उतने ही या उससे ज़्यादा उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। और कई सारे ऐसे काउंटर पॉइंट्स हैं जो ये बताते हैं कि क्यों एक स्ट्रिक्ट नेशनवाइड लॉकडाउन इफेक्टिव ऑप्शन नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे जब लॉकडाउन लगा तो उसने शुरुआती दौर में कोरोना केसेस को कंट्रोल किया। पर इसका एक काउंटर आर्गुमेंट है जो ये कहता है कि लॉकडाउन में केसेस की स्पीड कम होने का रीज़न खुद लॉकडाउन नहीं बल्कि लो टेस्टिंग कैपेसिटी थी। एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल कि इंडिया में जून 2020 के एंड में हर रोज 2 लाख कोविड टेस्ट हो रहे थे जो कि सितंबर 2020 में बढ़कर 10 लाख हुए। और अगर हम लास्ट ईयर की टेस्टिंग कैपेसिटी से कंपेयर करें तो 7 अप्रैल 2021 में इंडिया में 12 लाख कोविड टेस्ट हुए जो लास्ट ईयर के पीक पीरियड से भी ज़्यादा हैं। तो इस नज़रिए से लास्ट ईयर के कोरोना केसेस की स्पीड को कंट्रोल करने का क्रेडिट पूरी तरह से लॉकडाउन को देना विल नॉट बी फेयर। फैटलिटी रेट यानी जितने लोगों को कोरोना हुआ उनमें से कितने परसेंट लोगों की डेथ हुई, अप्रैल 2020 में यानी लॉकडाउन के दौरान ये फैटलिटी रेट सबसे ज़्यादा 3.6% था जो आज के वक्त घट के 1.3% पे आ पहुँचा है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम ने लास्ट ईयर से काफ़ी कुछ सीखा है और कई सारे ऐसे स्टेप्स उठाए गए हैं जिससे जिन लोगों को हॉस्पिटलाइज कराने की ज़रूरत है उन्हें बेड्स की कमी और ज़रूरी रिसोर्सेज की कमी ना महसूस हो। इन शॉर्ट, कोरोना से लड़ने के लिए अब हमारे पास बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम है, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स और रिसोर्सेज हैं जो एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की पॉसिबिलिटी को कम करते हैं। इकोनॉमिकल फ्रंट पे तो आप सब ने इस बात को महसूस किया है कि लॉकडाउन कितना डिवास्टेटिंग हो सकता है। फॉर इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर लॉकडाउन दूसरा सबसे बड़ा धक्का था आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। US बेस्ड प्यू रिसर्च सेंटर के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक रिसेशन ने लास्ट ईयर 7 करोड़ 50 लाख इंडियंस को पॉवर्टी लाइन के नीचे ढकेल दिया था और इसकी वजह से ग्लोबल पॉवर्टी में 60% का इजाफा हुआ है। इस एक एपिसोड ने इंडिया के 8 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया जहां 2011 से 2019 के बीच इंडिया में पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 30.4 करोड़ से घटकर 7.8 करोड़ तक पहुंच गई थी। एंड इट वाज स्पेकुलेटेड और 5 करोड़ लोग 2020 में पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ जाएंगे, बट ये स्पेकुलेशंस भयावह रूप से गलत साबित हुई। अकॉर्डिंग टू अ UK बेस्ड थिंक टैंक, इस पैंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से चाइना और इंडिया ने अलग अलग इकोनॉमिक आउटकम्स को फेस किया। इंडिया ने लार्जेस्ट इकोनॉमीज की रैंक में अपनी 5th पोजीशन को UK को लूज कर दिया है और इंडिया को फिर से 5th पोजीशन में आने के लिए 2024 तक का टाइम लगेगा।
वहीं चाइना, जिसको प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि 2033 तक यूएस को पीछे छोड़ के वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, वो अब कोरोना से बेटर इकोनॉमिक रिकवरी की वजह से 2028 में ही यूएसए से आगे निकल जाएगा। इन अ नटशेल, इंडियन इकोनॉमी 5 साल पीछे चली गई है इस लॉकडाउन और पैंडेमिक की वजह से, वहीं चाइनीज इकॉनमी रिलेटिव तौर पे 5 साल आगे। और इन दोनों टाइम पीरियड को मिला दें तो आज के वक्त इंडियन इकॉनमी और चाइनीज इकॉनमी में 10 साल का फासला आ चुका है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, हर कंट्री ने अपने हिस्ट्री के सबसे बड़े इकोनॉमिक सेटबैक को फेस किया है। न जाने कितने लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी और न जाने कितने लोगों ने सुसाइड किया इकोनॉमिक लॉसेस की वजह से। लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं, ये फैसला तो गवर्नमेंट ही लेगी, पर मैं इस कंडीशन को आपको द वायर में लिखे गए गिरिधर आर बाबू के आर्टिकल के रेफरेंस से समझाना चाहूंगा। गिरिधर जी लिखते हैं, हम किसी भी पैंडेमिक को मैनेज करने के लिए कुछ वॉर टर्मिनोलॉजीज का यूज करते हैं। उनमें से कुछ फ्रेज हैं, फाइट, डिप्लॉय, प्रिपेयर एंड लॉन्च। और अभी की कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट फ्रेज है डिप्लॉय। ये वक्त है इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज को डिप्लॉय करने का। माना कि अभी केसेस में जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन महाराष्ट्र है, और इसीलिए हमारे पास मौका है कि हम मेक श्योर करें कि इससे पहले ये केसेस बाकी स्टेट्स में भी अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ने लग जाएं, हम प्रॉपर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल वर्कर्स, मेडिकल हेल्प हर स्टेट में डिप्लॉय कर दें। और इस वॉर टर्मिनोलॉजी में जो लॉकडाउन शब्द है ना, वो एक न्यूक्लियर वेपन के जैसा है, जो किसी भी गवर्नमेंट का एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि इसका यूज़ एक इंडिविजुअल की लाइफ के साथ साथ एक पूरे देश के अलग अलग सेक्टर्स को पूरी तरह से रोक देता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके क्या ख्याल हैं इस लॉकडाउन वर्जन 2.0 को लेके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इंडिया ते लॉकडाउन होबे की होबे ना इटा निये तारा एखनो चिंता करछे, बट बांग्लादेशे किन्तु ऑलरेडी लॉकडाउन चलछे। হ্যাঁ, কিন্তু তারপরও দেখো গভর্নমেন্ট কিন্তু আমাদের এখানে বারবার বলছে যে গার্মেন্টস সেক্টরকে কিন্তু তারা এখনো বাহিরে রেখেছে লকডাউনে। কারণ হচ্ছে এটা যে কোনো রাষ্ট্রের ইকোনমি গ্রোথটাকে কিন্তু কমায় দেয়, যার কারণে হচ্ছে আমাদের দেশে এই গার্মেন্টস সেক্টরটাকে টোটালি কিন্তু এই সেক্টর থেকে আলাদা রেখেছে, যে না লকডাউনে তারা যাচ্ছে না। আর এই কারণেই দেখা যাচ্ছে যে ইকোনমিক গ্রোথটা আমাদের এখানে অতটা ইফেক্ট পড়ে না। কিন্তু ইন্ডিয়া যেহেতু অনেক বড় একটা রাষ্ট্র এবং সব কিছুই বন্ধ থাকার কারণে, কিন্তু আসলে যেটা বললো যে 5 বছরের কিন্তু একটা গ্যাপ তাদের অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে, তো অন্যান্য দেশও সেই তুলনায় কিন্তু পিছিয়ে, মানে চায়না থেকে পিছিয়ে গেছে। যারা চায়না দেখা যাচ্ছিল যে আরো অনেক পরে 2013-এর পরে পরে হয়তো তারা এক নাম্বারের দিকে আসতো, কিন্তু এখন তারা সেই জায়গাগুলোকে কিন্তু ওভারকাম করে অনেক সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। আর সেই তুলনায় কিন্তু আমরা এই সব দেশ কিন্তু পিছিয়ে গেলাম, অনেক বড় বড়, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রও পিছিয়ে গেল। তো সেক্ষেত্রে আমি মনে করবো যে লকডাউন আসলে কতটা প্রযোজ্য, যেটা বলছে তারা যে ইনিশিয়েটিভ যদি নেয় ওভাবে, যে না মহারাষ্ট্রতেই তারা যদি এভাবে লক করে দেয়, দিয়ে অন্য অন্য জায়গায় তারা যদি চিকিৎসার ইকুইপমেন্ট বা প্রপার ট্রিটমেন্টটা দিতে পারে জনগণকে, তাহলে হয়তো তাদের আর এই লকডাউনটা দরকার হবে না। তো সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে তারা আসলে সফলতা পাক, কারণ আজকেও যেটা দেখলাম যে হাজারের কাছাকাছি লোক কিন্তু মারা যাচ্ছে, হাজারের উপরে মারা যাচ্ছে প্রতিদিন ইন্ডিয়াতে। তো এটা আসলে কিন্তু খুব ভয়াবহ। আমাদের এখানেও কিন্তু কম না, আমরা এখন 100 ক্রস করে গেছি অলরেডি। না, আমাদের এখানেও একটা ব্যাপার, আমরা আসলে অ্যাকচুয়ালি জানি না যতগুলো জনগণ সরকারিভাবে লিপিবদ্ধ হচ্ছে তাদেরটা আমরা হয়তো জানছি। হ্যাঁ, আর টেস্টের বাহিরে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা কিন্তু আমরা জানি না, কারণ আমাদের দেশে অনেক মানুষ কিন্তু আছে যে বেখেয়ালি, কারণ আমরা ঠান্ডা জ্বর হচ্ছে বা কাশি হচ্ছে, শ্বাসকষ্ট, আর এটা কেমন তেমন কিছুই না, কিন্তু আমরা খুবই ইগনোর করি এই ব্যাপারটাকে। তো দেখা যায় সাধারণ জনগণ কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণে ইগনোর করে এগুলাকে, তো করছে এবং করেও, আর এরকম আছে অনেক জনগণই। তো সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু আরো বেশি ইফেক্ট করছে আমাদের ইকোনমির উপরে, এবং আসলে অনেক লোক মারাও যাচ্ছে। তো যারা মারা যাচ্ছে আসলে তাদের জন্য সমবেদনা বলবো, কিন্তু যারা বেঁচে আছে তাদের আসলে কাজেরও দরকার আছে, কাজ ছাড়া কিন্তু কোনো একটা ফ্যামিলি চলতে পারবে না। আর যদি সবকিছু এরকম বন্ধ হয়ে যায় তখন কিন্তু অনেক মানুষ আসলেই কাজ হারাবে, হ্যাঁ, গত বছরও কিন্তু আমরা দেখেছি যে ঢাকা শহর থেকে কিন্তু অনেক ফ্যামিলি গ্রামের দিকে সুইচ করেছে, কারণ এই ঢাকা শহরে তাদের কাজ নাই, তো তারা এখানে কি করবে, বসে বসে কিন্তু ঘর ভাড়া দেওয়া বা এখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা, ফুল ফ্যামিলিকে রেগুলার খরচগুলো মেনটেন করা সম্ভব না, যে কারণে তারা কিন্তু ঢাকা শহর ছেড়ে কিন্তু একটা বাইরের গ্রামের দিকে চলে গেছে, আগের জায়গায় চলে গেছে।
গেছে। তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে তাদের রাষ্ট্রটা যেহেতু অনেক বড় এবং তাদের ব্যাপারগুলো কিন্তু আরো বড় ধরনের ঘটনাগুলো ঘটছে, এবং যেটা বললো যে দারিদ্রতার কিন্তু একটা লেভেল ছিল যেটা উপরে ক্রস যেত সেটা এখন আবার নিচে নেমে গেছে। তো এইগুলো আসলেই বড় ধরনের সমস্যা এবং এগুলো সাইড ইফেক্ট বলা যায়, লকডাউনের সাইড ইফেক্ট। আর আরেকটা জিনিস আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না যে বিশ্বের যে বড় বড় নেতারা আছে বড় বড় রাষ্ট্রের, তারা চীনকে কেন ফলো করতে পারছে না? কেননা চীন কিন্তু তারা সবার প্রথম কোভিড আক্রান্ত হয় এবং তাদের তখন 86,000 ছিল, সেখান থেকে এখন 92 কিংবা সামথিং একটু বেশি হয়েছে, ওরা কিন্তু ওখানে লক করে দিতে পেরেছে। আমি বলবো যে এদিকে চায়না কিন্তু টেকনোলজিতে অনেক এগিয়ে অন্যান্য রাষ্ট্রের থেকে, এবং তারা যেহেতু ফার্স্টে ফেস করেছে সে কারণে হয়তো তাদের এক্সপিরিয়েন্সটাও অন্য দেশের তুলনায় অন্য ভিন্ন, যার কারণে হয়তো তারা এটাকে লক করতে পেরেছে। এবং তারা কিন্তু দেখা গেছে যে একটা শহরকে লক করেছে, মানে শহরটাকে পুরো লক করে তিন দিনের মধ্যে দেখা গেছে, এমনও হয়েছে যে ওরা তিন দিনের মধ্যে একটা শহরকে তারা ফুললি চেক করেছে এবং যারা রেড জোনে যাওয়ার তাদেরকে রেড জোনে ফেলে দিয়েছে, অন্যদেরকে সরিয়ে নিয়ে এসেছে। এইসব করেই তারা কিন্তু অনেক আগায় গেছে। আর আমাদের এই ছোটোখাটো দেশগুলো যারা, আমরা আসলে ইকোনমিক দিক থেকে এতটা মজবুত নই এবং জনসংখ্যাও বেশি সব দিক দিয়ে প্রবলেম, সেখানে জনগণ আসলে সচেতন না। চায়নায় হয়তো বা জনগণরা সচেতন ছিল, সেজন্য তারা যতটুকু ডিস্টেন্স মেনটেন করতে বলেছে গভর্নমেন্ট সেটা মেনটেন করেছে, আমরা সেটা করিনি, আমরা ছুটি পেয়ে সবাই ঘুরতে গিয়েছি, এটা অবশ্যই আমাদের ভুল ছিল। লাস্ট টাইম কিন্তু আমাদের দেশেও মোটামুটি সব কিন্তু খুলে দিয়েছিল এবং সবাই কিন্তু ঘুরতে গেছে, অনেক ঘুরতে গেছে, এমনকি আমার কলিগরা মনে আছে যে তারাও কিন্তু তিন চার দিনের ট্যুরে ঘুরতে গেছে, যেটা আমরা সাহস করি নাই বাইরে ঘুরতে যাওয়ার, কারণ চিন্তা আমরা স্টিল না বাইরে বাজার করতে যেতে যাচ্ছি না। এটা আসলে হয়, এটা খুব ভয়ঙ্কর ব্যাপার, কারণ আসলে জানি না কার শরীরে কি ধরনের রোগ আছে এবং কোভিড আক্রান্ত হলে আমাদের কি ধরনের সমস্যাগুলো হবে সেটা আমরা নিজেরাও জানি না। তো বলবো সবাইকে যে সাবধানে থাকার জন্য এবং যতদূর সম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে নিজেদের সেফটি রেখেই চলার জন্য। আর কোভিডকে আসলে সহজভাবে নেওয়ার কিছু নাই, সবাই যেমন ভাবতেছে যে এটা সহজ কিছু, অ্যাকচুয়ালি সেরকম না। কেননা যারা আক্রান্ত হয়েছে, আমার কাছের যে সমস্ত কলিগ এবং ফ্রেন্ড তাদের কাছ থেকে আমরা শুনেছি, এটা আসলে হালকাভাবে নেওয়ার মতো কিছু না। যারা এফেক্ট হচ্ছে তারা বুঝতে পারছে, যাদের আত্মীয় স্বজন এবং নিকট লোকজন হারাচ্ছে তারা বুঝতে পারছে যে আসলে কোভিড কতটা খারাপ। তো আমরা বলবো যে আপনারা কেউ এটাকে সহজভাবে না নিয়ে খুব সিরিয়াসলি নেন এবং সাবধানে থাকেন, দূরত্ব বজায় রেখে চলেন মানুষের সাথে, কিছুদিনের জন্য হলেও আপনাদের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা করা বন্ধ করুন, দূর থেকেই কথা বলুন, ফোনে কথা বলুন। এখন তো অনেক টেকনোলজি এসেছে যেখানে আগে তো মানুষ কথা চিঠি ছাড়া কোনো কথা বলা যেত না বা ফোনে কথা হতো শুধুমাত্র, এখন দেখাও যায় ভিডিও কলে, কল করে দেখা যায়। সো এইভাবে করে হলেও কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখুন। আর অফিস যারা করছে আমি বলবো যে সেখানেও সেফটিটা মেজার, যতটুকু সম্ভব নিজেকে সেফ রেখে কাজ করার জন্য। আর সব ক্ষেত্রেই বলবো যে এটা আসলে খুবই দুঃখজনক এবং দুর্বিষহ, জানি না কবে এটা যাবে, আমরা আসলে সবাই অতিষ্ঠ হয়ে গেছি ঘরের মধ্যে বসে থাকতে থাকতে এবং বাইরে না যেতে যেতে। তো চাইবো যে এটা খুব দ্রুতই যাতে চলে যায়, চলে যায়, আর আমরা সবাই যাতে আগের মতো হাসতে পারি, বাইরে বের হতে পারি, সবার সাথে মিশতে পারি, চলতে পারি। আশা করবো খুব দ্রুতই কোভিড চলে যাবে এবং আমরা আমাদের পরিবার পরিজন বন্ধু বান্ধব সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে আবার সেই পূর্বের মতো হাসি ঠাট্টায় মেতে উঠবো। সবাই সাবধানে থাকবেন, ভালো থাকবেন, পরবর্তীতে আর কোন কোন ভিডিও আমাদের সঙ্গে দেখতে চান তা আমাদেরকে কমেন্টস করে জানাবেন। আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি।